लोग आपसे डरते नहीं थे, लोग आपसे प्राउड होते थे, बहुत प्राउड होते थे। नहीं समझते, जिस दिन समझेंगे उस दिन मुशावरत करेंगे, उस दिन प्यार करेंगे, उस दिन इज्जत करेंगे, उस दिन डराएंगे नहीं है। हमें डरा के साथ चीज नहीं रखी, ये जरूर याद रखें कि थोड़ा सा आज हम सब थोड़ा सा सहम गए हैं। और जिस फौज की कौम सहमी होती है वो फौज लड़ नहीं सकती, जनरल साहब वो फौज लड़ नहीं सकती। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे दुश्मन है वो एंड हो, हम आप हमें ना एंड कर दें। एक बच्चे को उठा लिया, वो एक्टिंग करता था मेरा ख्याल, इमरान खान की टिकटॉक बनाता था, उसको उठा लिया गया है। ये लोगों को उठाना, इसे आपको हेट किया जा रहा, इसे पीडीएम नहीं हेट हो रहा इसे नवाज शरीफ को लोग गालियां वैसे दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, बिलावल को गालियां दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, जरदारी को दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, आपको टारगेट किया जा रहा है। आप 6-8 महीने पहले तो कोई किसी को पता ही नहीं था आप कौन है, तो इसलिए जाती तौर पे भी आपने देखा उस दिन जनरल बाजवा के साथ क्या हुआ। अगर आप समझ रहे हैं, आपने अपनी इस प्रेस रिलीज में लिखा है कि इस वक्त लोग प्राउड हैं, कोई प्राउड नहीं है फौज से इस वक्त, थे अब डर गए, सहम गए। हमें प्राउड रखें, हमें डराए ना, सबसे बड़ी फौज हम है आपकी, ये तो 7-7.5 लड़के हैं, बाकी हम जब हम सब कौन है। ये ना करें, या तो कानून चेंज करें या मुज़ाकरात करें, मगर ये जो हो रहा है सर, ये अनसस्टेनेबल हो गया, थोड़ा सा हम सब डरने लगे। ताकि आप मुल्क को प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, प्राउड नहीं कह सकते सर, आज आप इसको हमको प्राउड नहीं कह सकते सर। एनीवेज, इसी के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।